नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 5 का फुल ट्रेनिंग सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि HTTP क्लाइंट क्या होता है और HTTP से क्या डिफरेंस होता है इसके बीच, और हमने ये भी देखा था कि HTTP क्लाइंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। उसमें हमने देखा था गेट मेथड, पोस्ट, डिलीट, पैच, बहुत सारे मेथड के बारे में हम डिस्कस किया था कि ये मेथड होता है। इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, इस सारे मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है इसका, इन सारे मेथड्स को हम बारी बारी से एक एक करके एक एक वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिकल करके। उसी का एक प्रैक्टिकल देखेंगे गेट मेथड का इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं HTTP क्लाइंट का गेट मेथड। इसमें हम ये देखेंगे कि गेट मेथड को क्या कंसेप्ट होता है, कैसे यूज करते हैं और इसका क्या यूज होता है, राइट। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा एक वीडियो है जो इसमें हमने सब्सक्राइब और ऑब्जर्वेबल के बारे में बता रखा है, उसको आप एक बार जरूर विजिट कर लें, क्योंकि वो आपको देखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको देख लेंगे तभी ये सारे वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। क्योंकि जब तक आपको ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइब के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो उसके जो मेथड होगा जो HTTP क्लाइंट का उससे रिलेटेड होता है, तो उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप उसको एक बार विजिट कर लें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो उसको आप एक बार क्लिक करके देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में, उसमें आपको ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइब वर्ड आपको दिखेगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। और ऑलरेडी जिसको सब्सक्राइब और ऑब्जर्वेबल आता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, HTTP क्लाइंट के जितने भी मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, ये सारे बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब भी हम सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो इन सारे मेथड का यूज होता है। इसलिए आप इसको केयरफुली देखें एक एक चीज़ों को, और साथ ही साथ मेरे वीडियो के साथ ही साथ अपना भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं राइट कर करके। और अब दोस्तों, अगर इस वीडियो का जो भी कोड हो, आपको नीड हो कि आपको कोड की नीड हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी शेयर करें, और मैं आपको उस ईमेल आईडी पर इस वीडियो का जितना भी कोड होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, आप यहाँ पर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, डेटाबेस का है। उसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल वाइज भी आप देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट लिस्ट बना हुआ है, और एंगुलर 7 का भी कुछ वीडियो हमने डाल रखा है, क्योंकि बीटा वर्जन आ चुका है और कुछ दिनों में स्टेबल वर्जन भी आ जाएगा। तो उसके बाद आपको एंगुलर 7 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, गेट मेथड जानने से पहले HTTP क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने नॉलेज को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, HTTP क्लाइंट जो है एंगुलर 4.3 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। उससे पहले हम HTTP यूज करते थे, और HTTP क्लाइंट जो है दोस्तों HTTP का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स आए जो कि हमारे सर्वर कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी हो गया, मीन्स कि HTTP क्लाइंट इज स्मॉलर, इजियर एंड मोर पावरफुल लाइब्रेरी फॉर मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट, राइट। तो दोस्तों, एंगुलर HTTP लाइब्रेरी जो है HTTP क्लाइंट प्रोवाइड करता है, जो कि सर्वर कम्युनिकेशन में यूज होता है, राइट। और जो गेट मेथड है दोस्तों, HTTP क्लाइंट का एक मेथड है, और ये क्या करता है कि हमें सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए एक HTTP URL लेता है, राइट। मीन्स कि गेट का जो काम है दोस्तों कि हम सर्वर से कोई डेटा गेट करना होता है, तो हम गेट मेथड को यूज करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये क्या करता है कि HTTP एक URL लेता है, तो वी नीड टू पास HTTP URL टू HTTP या HTTP क्लाइंट गेट मेथड, राइट। और ये क्या करता है दोस्तों कि ये हमें ऑब्जर्वेबल का इंस्टांस रिटर्न करता है, राइट। और ऑब्जर्वेबल क्या है दोस्तों, RxJS लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करते हैं ऑब्जर्वेबल को। जैसा कि मैं आपको बताया था कि सर्वर कम्युनिकेशन में हम ऑब्जर्वेबल सेट कर लेते हैं, जो कि हमारा सर्वर से जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑब्जर्वेबल के पास आ जाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों कि हमें जैसे ही HTTP गेट
मेथड में यूआरएल पास करते हैं तो क्या करता है कि ये हमें ऑब्जर्वेबल का एक इंस्टांस रिटर्न कर देता है, राइट। और उस रिस्पांस को हमें जिस कंपोनेंट या सर्विस में यूज करना होता है तो वहां पर उस ऑब्जर्वेबल को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है गेट मेथड का, राइट। और एचटीटीपी क्लाइंट, जब भी हमें गेट मेथड यूज करना होता है दोस्तों, तो हमें एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करना होता है, राइट। एचटीटीपी क्लाइंट यूज करते हैं, और एचटीटीपी क्लाइंट यूज करने के लिए हमें एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को अपने एप्लीकेशन का जो मेन मॉड्यूल होता है ऐप डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल, उसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को, राइट। और एचटीटीपी क्लाइंट का जो कुछ मेथड होता है दोस्तों, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे अलग अलग वीडियोज में, क्योंकि हमें इसमें प्रैक्टिकल करना होगा, राइट। एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा ये, राइट। तो आगे तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि गेट का कैसा कोड बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट में एक यूआरएल हम पास करते हैं, यही मेन होता है दोस्तों, कि जो कि हम यूआरएल किसी सर्विस का, एपीआई का, किसी का भी यूआरएल दे सकते हैं यहाँ पर सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऑप्शन में हम जो हेडर होता है, ऑब्जर्व होता है, परम होता है, रिपोर्ट प्रोग्रेस होता है, रिस्पॉन्स टाइप होता है, एक एक चीज का अलग अलग मतलब होता है, इसको भी हम पास कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट। बट हमें यूआरएल जरूरी होता है पास करना, ये आप पास करें या ना करें कोई जरूरी नहीं होता है, राइट। तो इसमें हेडर क्या होता है, ऑब्जर्व क्या होता है, इसके बारे में बता दूं आपको कि हेडर जो होता है दोस्तों, कि जैसे कि डेटा का, इसमें जो मेटा डेटा होता है उसको हम पास करते हैं, राइट। जो कि हम डेटा पास कर रहे हैं उसका क्या वर्क है, उस डेटा का, मतलब मेटा डेटा मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, राइट। उसको हम पास करते हैं जिससे कि हमारे सर्वर का कनेक्टिविटी में मदद मिलता है, सर्वर को उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है, राइट। और दोस्तों ऑब्जर्व होता है क्या, क्या इट डिफाइंस वेदर यू वांट कंप्लीट रिस्पॉन्स, राइट। ये कंप्लीट रिस्पॉन्स को डिफाइन करता है, इसमें कुछ असाइन करना होता है वैल्यू को ऑब्जर्व प्रॉपर्टी में, जैसे कि रिस्पॉन्स हम असाइन करते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्स के लिए, राइट। उसी तरीके से ये क्या ऑब्जर्व क्या करता है कि हमें उसमें वैल्यू पास करते हैं और ये हमारे कंप्लीट रिस्पॉन्स को डिफाइन करता है, राइट। परम क्या होता है दोस्तों, कि ये हमारे परम टाइप होता है, इसमें जैसे हम पैरामीटर पास करना होता है यूआरएल के साथ गेट रिक्वेस्ट के लिए, तो इसमें परम हम यूज करते हैं, राइट। अदर रिस्पॉन्स टाइप ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट डॉट गेट इज ऑब्जर्वेबल, बताया ना कि ऑब्जर्वेबल ही रिस्पॉन्स टाइप होता है, प्रोवाइडेड बाई आर एक्स जी एस लाइब्रेरी। आर एक्स जी एस लाइब्रेरी से हम ऑब्जर्वेबल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप वहां देखेंगे कि ऑब्जर्वेबल को यूज करने के लिए हमें अब आर एक्स जी एक्स से उसको इंपोर्ट करना होगा, राइट। मैं अब दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। ऑब्जर्वेबल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट ऑफ वैल्यू ओवर एनी अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऑब्जर्वेबल क्या करता है दोस्तों, कि हमें रिस्पॉन्स और से रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कुछ समय ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हम एचटीटीपी क्लाइंट को कैसे इंजेक्ट करते हैं, राइट। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि पहले तो हम एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एचटीटीपी लाइब्रेरी से हम एचटीटीपी क्लाइंट को इम्पोर्ट करेंगे, वहां पर करेंगे दोस्तों जहां पर हमें जैसा सर्विस हुआ या ऐप डॉट कंपोनेंट कंपोनेंट हुआ, वहां पर इसको हम इंपोर्ट करेंगे जहां हमें उसको यूज करना होगा, राइट। जैसे मान लो हमें सर्विस में गेट मेथड यूज करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे, मीन्स एक वेरिएबल बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर में एचटीटीपी क्लाइंट का, और इस एचटीटीपी क्लाइंट को अब हमारा रेडी हो जाता है एचटीटीपी क्लाइंट की एचटीटीपी को यूज करने के लिए, राइट। तब क्या माने रिस्पॉन्स सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे एक मेथड बना लेंगे दोस्तों, ये ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा, राइट। और एनी का मतलब कि कोई भी डेटा टाइप रिटर्न कर सकता है, यहाँ पर मैं आपको स्टैंडर्ड वे बताऊंगा कि कैसे हम कोई टाइप बना लेते हैं जिस टाइप का हमें रिटर्न करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न डॉट दिस डॉट एच टी टीपी डॉट गेट, ये एच टी टीपी दोस्तों है जो हमने एच टी टीपी क्लाइंट का जो वेरिएबल बना रखा है ये है, राइट। डॉट गेट, यहाँ पर ये गेट मेथड यूज हो रहा है, और इसमें हम देखिए दिस डॉट यू आर एल पास कर रहे हैं, राइट। मीन्स कि राइटर यू आर एल जो है ये किसी एपीआई का यू आर एल है, यहाँ पर हम यू आर एल पास करेंगे और इसी को हम यूज करेंगे, राइट। मीन्स कि जो दोस्तों यही गेट मेथड का काम है कि वो हमें उसमें यू आर एल पास करेंगे और वो हम क्या करेगा कि ऑब्जर्वेबल का इंस्टांस रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एपीआई कैसे बनाते हैं एंगुलर के अंदर, जो कि एंगुलर का अपना इन मेमोरी वेब एपीआई होता है। तो अगर आप
चाहते हैं कि अगर हम आपको किसी अगला अदर लैंग्वेज में MVC या .NET कोर यहाँ वहाँ से हम API ना बनाकर इन बिल्ड ही API बना लें, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको किसी अदर लैंग्वेज पर डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप किसी भी डिजाइनर हो या फिर किसी लैंग्वेज के डेवलपर हैं, तो आप इसको देखकर अपना API अपने एंगुलर के अंदर ही बना सकते हैं, क्योंकि एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि एक इन मेमोरी वेब API प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम अपने डेटा को टेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम API बनाते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि हम API बनाते कैसे हैं और इन मेमोरी वेब API होता क्या है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे गेट मेथड को यूज करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम ब्राउजर में ये देख लेंगे कि हमारा डेटा कैसे शो होता है। राइट, अगर हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें किसी न किसी वेब सर्विस की URL की जरूरत होती है। राइट, और एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि इन मेमोरी वेब API हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम एक सर्विस वेब सर्विस का URL प्रोवाइड करता है उसके थ्रू, और उसको हम यूज करके अपने डमी डेटा के साथ अपने एप्लीकेशन में यूज करके टेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को कि हम कैसे डेटा शो करते हैं। राइट, तो वही हमने यहाँ बता रखा है कि टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन वी नीड वेब सर्विस URL। राइट, एंगुलर प्रोवाइड इन मेमोरी वेब API डेट विल प्रोवाइड वेब सर्विस URL। राइट, हमने वही बताया दोस्तों कि किसी न किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें वेब सर्विस URL की जरूरत होती है, उसको हम किसी न किसी लैंग्वेज में राइट करना होता है। बट एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि हमें इन मेमोरी वेब API प्रोवाइड करता है, जिसमें एक वेब सर्विस URL देता है, उसको हम यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ डमी डेटा डाल सकते हैं, अपना हम डेटाबेस DB जिसको बोलते हैं DB क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डेटा रखेंगे उसमें, और उसको हम यूज करके उस API को अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो बात आती है दोस्तों इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसकी बात होती है कि दोस्तों कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये हमने कमांड लिख रखा है कि npm i मींस इंस्टॉल होता है, i के जगह पर आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं सिंपल, npm i एंगुलर इन मेमोरी वेब API @0.5.3 सेव। ये पार्टिकुलर हमने वर्जन का नाम दे रखा है, आप यहाँ वर्जन का नाम देकर डॉट डॉट सेव करेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप क्या होगा कि ये इंस्टॉल हो जाएगा वेब API। राइट, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल कर करके एक एक स्टेप करके कर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम इसमें वेब API के लिए जो एंगुलर मेमोरी वेब API प्रोवाइड करता है उसको हम इंस्टॉल करेंगे पहले। राइट, तो यहाँ बात आती है दोस्तों कि हमें क्या कौन सा कमांड लिखना होता है, तो हम ये कमांड लिखेंगे कि npm और हमने बोला था कि i। राइट, i या इंस्टॉल कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फिर एंगुलर डैश इन मेमोरी डैश वेब डैश API, उसके बाद दोस्तों @ और वर्जन का नेम दे देंगे 0.5.3, उसके बाद दोस्तों डैश डैश सेव। राइट, अब फिर इंटर क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि हम आप देखेंगे थोड़ी देर में हमारे इस प्रोजेक्ट में देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया और ये इंस्टॉल कर देगा प्रोजेक्ट में। राइट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी एक या 2 मिनट लगेगा इसमें। इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आपने बता दिया, ये देख लीजिए कि अब देख लिया कि आपने कि added 1 package इन इतना। राइट, और ये बता दिया कि प्लस एंगुलर इन मेमोरी वेब API। राइट, मींस कि हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो बात आती है दोस्तों कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो चलिए मैं इसको एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा, और आप इसको देख कर आप अपने कंप्यूटर पर आप ओपन करके इसको आप साथ ही साथ राइट करके बना भी सकते हैं। राइट, तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। राइट, अगर दोस्तों मैं आपको यही बात बता दूं कि अगर आपको इस एप्लीकेशन के जो मैं समझा रहा हूँ इसका कोड भी चाहिए आपको, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना ईमेल ID, मैं आपको इसका कोड भेज दूंगा। राइट, और कुछ ही दिनों में हमारा वेबसाइट आने वाला है दोस्तों, आप जहाँ से आप हर जितने भी मेरे वीडियो हैं सबके वीडियो का कोड आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों अब अगले स्टेप पर देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करना होगा। ये बाद हम क्या करेंगे कि दोस्तों एक हम टेस्ट करने के लिए टेस्ट
डीबी के क्रिएट करेंगे। क्रिएट डीबी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि इन मेमोरी डीबी सर्विस को हमें इंपोर्ट करना होगा एंगुलर इन बेबी एपीआई से, और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे टेस्ट डाटा इंप्लीमेंट। हमारा एक क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास, और उसके टेस्ट डाटा करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे इन मेमोरी डीबी सर्विस से। और उसके बाद यहाँ पर एक हम डीबी क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो उसमें हम क्या कर, लेट बुक डिटेल्स ये एक टेबल टाइप का बन जाएगा। बुक डिटेल्स में हम क्या करेंगे, और उसमें हम एरे टाइप का बोल सकते हैं, टेबल नहीं बोल सकते क्योंकि अब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। आप एरे बनाएंगे यहाँ पर आईडी इस तरीके से, हम तीन डिटेल्स या जितने मर्जी उतने डिटेल्स डाल सकते हैं बुक का, और उसके बाद रिटर्न करा लेंगे बुक डॉट बुक कॉलन बुक डिटेल्स, इसको हम रिटर्न करा लेंगे, इस बुक में चला जाएगा और इस बुक को हम जाके आगे यूज करेंगे। तो चलिए पहले आपको ये दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप तो पता ही SRC के अंदर ऐप होता है, ऐप के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक फाइल ऐड करेंगे और उसका नाम दे लेंगे दोस्तों हम क्या, टेस्ट रख लेते हैं, टेस्ट डाटा राइट डॉट TS, मीन्स कि हम TS फाइल बना रहे हैं और इंटर मार देंगे, राइट। ये हमारा टेस्ट डेटा आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम बनाएंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे और टेस्ट क्रिएट डीबी करेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में हम आपको पता ही है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कहाँ से हमें इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद इजीली वो फेच हो जाएगा वहां से। यहाँ पर इस लिखेंगे एंगुलर, एंगुलर देखिए यहाँ पर अपने आप आ भी गया, एंगुलर इन मेमोरी बेब एपीआई, राइट। यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे लिखेंगे ना तो जिसको हमें करना है वो अपने आप आ जाएगा, इन मेमोरी इन होगा यहाँ पर IN, यहाँ पर हमने M शायद क्लिक कर दिया था, इन मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए इन मेमोरी क्या करना है हमें, डीबी सर्विस, डीबी सर्विस देखिए आ गया, इसको हम कर लेंगे, राइट। अब क्या होगा दोस्तों कि अब हमें इसको आगे यूज कर लेंगे। अब हमें क्या बोल रहा है, अब हम जाएंगे नीचे, अब क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे एक टेस्ट डेटा से बना लेते हैं हम, टेस्ट डेटा बना लिया हमने, और इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स किसको करना है हमें, इन मेमोरी डेटा को, राइट। डीबी सर्विस को हम कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे कि हम जैसा बताया कि हम डेटा क्रिएट करेंगे तो क्रिएट डीबी कर लेते हैं। आपको जहाँ भी कोई भी कंफ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें दोस्तों, और आपको कोड की जरूरत है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, हम आपको कोड भेज सक देंगे इसका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे लेट बुक डिटेल्स, राइट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जितने भी हमें, अब दोस्तों यहाँ पर हम डेटा बना रहे हैं, जितना भी डेटा हमें डालना होगा यहाँ पर हम डेटा बना लेंगे एक एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आईडी हमने दोस्तों मान लो ले लिया, हमने आईडी लिया और हमने मान लो दोस्तों 100 से शुरू किया, कॉमा नेम, राइट। इसको भी हमने ले लिया, कुछ भी जो भी नेम लेना है दोस्तों आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे एंगुलर, एंगुलर बाई सहो सॉफ्ट, राइट। उसके बाद आप कैटेगरी ले सकते हैं, जो भी डेटा आपको लेना है कैटेगरी ले लिए, इसमें आप ले सकते हैं कि एंगुलर, राइट। अब इसको मैं कॉपी करके आपको एक एक करके बना देता हूँ। तो दोस्तों इसको कॉपी कर करके हम बना लेते हैं आगे डेटा ताकि टाइम बचेगा कोड करने का। यहाँ पर हम कॉमा देंगे लास्ट में और एक बना लिए, फिर कॉमा एक और डेटा बना लिए। अब इसका नेम चेंज कर लेंगे दोस्तों, मान लो इसका हमने कर लिया 101, इसका 102 कर दिया हमने। यहाँ पर हम कुछ और ही बुक का नेम लिख ले सकते हैं, जैसे कोर डॉट नेट हुआ, यहाँ पर भी कोई और बुक ले सकते हैं, NGRX, जो भी आप ले सकते हैं अपने मर्जी से। ये हमने एंगुलेट लिख दिया है,
इसको आप एंगुलर लिख लीजिए, एंगुलर टाइपिंग मिस्टेक है ये, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ये, अब हमने क्या किया दोस्तों कि ये हमने बना लिया अपना एक डेटा, राइट। अब हम ये इसको रिटर्न करा लेंगे। एक बात, हमने यहाँ पर इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम एरे बनाएंगे ना, इसको एरे बना लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर इसको लिखकर सेमी कॉलन दे देंगे, राइट। तो देखिए जो भी एरर टाइप का आ रहा था वो हट गया, अब हमारा ये डेटा बन चुका है, इसको रिटर्न कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न इसमें हम लिख लेंगे बुक्स और इसमें रिटर्न कर लेंगे बुक डिटेल्स को, राइट। इसको हम रिटर्न किया और यहाँ पर सेमी कॉलन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा देखिए सारे यहाँ पर यह सभी हट गया एरर टाइप का जो आ रहा था, और यहाँ पर जो हमारा एक डेट डीबी टाइप का क्रिएट हो चुका है, इसको हम आगे यूज कर लेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों अब क्या करते हैं कि ये हमारा एक तो बन गया हमारा एपीआई, अब इसके लिए हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे जिस सर्विस में इसके यूआरएल को हम यूज करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एनजी जी से जनरेट होता है, उसके बाद हम लिखेंगे सर्विस, या फिर आप एस भी लिख सकते हैं, राइट। सर्विस हो गया और हम बना रहे हैं बुक नेम से, राइट। बुक नेम से हमने सर्विस बनाया, अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि हमें एक सर्विस क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो चुका है, दो फाइल बना, एक तो सर बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल और एक बुक डॉट सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन जो टी एस फाइल होता है वो बन गया। आप उसका यहाँ पर भी देख सकते हैं दो फाइल बन चुका है। तो हमें जो बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल है इसमें हम बनाएंगे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि उस जो एपीआई का यूआरएल है उसको यूज करेंगे, राइट। और फिर उसको हम यूज कर लेंगे अपने कंपोनेंट पर जहाँ पे डेटा दिखाना है, इस सर्विस को यूज कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर तो पहले ऑब्जरेबल और एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब भी हमें ऑब्जरेबल को यूज करना होता है अपने सर्विस के अंदर तो क्या करते हैं, ऑब्जरेबल को इंपोर्ट करना होता है, राइट। कि जो आर एक्स जे एक्स लाइब्रेरी के अंदर आता है, राइट। तो उसको हम पहले इंपोर्ट एचटीटीपी क्लाइंट और ऑब्जरेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम angular/common/http, राइट। अब यहाँ पर हम देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे http client, राइट। अब यहाँ पर अब उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों ऑब्जरेबल को, इंपोर्ट फ्रॉम आर एक्स जे एस के अंदर ऑब्जरेबल आता है, ऑब्जरेबल, राइट। और यहाँ पर हम ऑब्जरेबल को इंपोर्ट कर लेंगे, ऑब्जरेबल को, राइट। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा तो यहाँ पर सर्विस बन चुका है बुक सर्विस के नाम से, इसके अंदर पहला काम होगा कि हम एक यूआरएल बना लेते हैं, राइट। बुक यूआरएल, बुक यूआरएल, राइट। इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि एपीआई का हम ले लेते हैं, जिसका जो हमने इंस्टॉल किया दोस्तों उसका एपीआई बनता है, आप यूआरएल बनेगा /API, और जो हमने बनाया था बुक्स रिटर्न कर रहा था, बुक रिटर्न कर रहा था उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर बुक, राइट। ये बन गया हमारा एपीआई, राइट। आप देख सकते हैं जो हमारा जो बुक्स रिटर्न कर रहा है इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पर ताकि नेमिंग कन्वेंशन में बुक्स होगा यहाँ पर। अब ये हम जैसे ही इसको यूज करेंगे दोस्तों तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट भी करना होगा बुक को, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टीएस फाइल बना हुआ है इस बुक का,
उसको इंपोर्ट करना होगा हमें, ये सर्विस हुआ, इसको इंपोर्ट जो हमारा सर्विस बनेगा दोस्तों, इस सर्विस को हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में। पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और एचटीटीपी का हम बना लेते हैं एचटीटीपी क्लाइंट। यहाँ पर हम एचटीटीपी क्लाइंट कर यूज करेंगे। आपको पता है कि पहले हम टू में 4.3 से पहले HTTP यूज करते थे सिंपली, लेकिन हम 4.3 के बाद हम HTTP क्लाइंट यूज करने लगे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आया हुआ है इसमें। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन में हम ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे, राइट। तो इसका क्या नाम ले लेते हैं, कुछ लेते हैं गेट बुक्स फ्रॉम स्टोर, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, बुक्स फ्रॉम स्टोर ये बना लिया हमने, और इसमें हम ऑब्जरेबल यूज कर लेंगे। यहाँ पे कॉलन किया हमने और ऑब्जरेबल यूज कर लेते हैं, राइट, ऑब्जरेबल। और इसमें दोस्तों हम पास करते हैं जिसको यूज करना है, किस टाइप का ऑब्जरेबल बना रहे हैं, राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पर एनी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक टाइप स्टैंडर्ड में क्या होता है कि टाइप बना लिया जाता है जिस टाइप का डेटा हमें रिटर्न कराना होता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुक टाइप बना लेंगे एक। तो टाइप में हम क्या करेंगे, एरे टाइप का बुक बना लिया हमने, इसको हम एक टाइप बनाएंगे अलग से, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको, और यहाँ पर ऐसे कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जो हमारा रिटर्न कराना होगा बुक, उसको हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP, जो कि हमारा ये HTTP हमने बनाया अभी, राइट, HTTP और डॉट गेट, जो HTTP का जो मेथड होता है आपको पता ही है। तो हम HTTP क्लाइंट का मेथड यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि HTTP जो लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, HTTP क्लाइंट का वेरिएबल बन रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप गेट, एक्चुअली हम जो ये गेट मेथड बना रहे हैं, HTTP क्लाइंट का मेथड बना रहे हैं, राइट, या फिर आप HTTP बोल सकते हैं, HTTP का मेथड बना रहे हैं। तो उसके बाद इसमें हम पास करेंगे क्या रिटर्न करेगा बुक टाइप का, आप एनी भी लिख सकते हैं, अगर आप एनी लिए हैं, अगर यहाँ पर ऑब्जरेबल का तो यहाँ भी एनी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने बुक टाइप बना रखा है तो हम बुक लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और हम रिटर्न करा देंगे इसमें दिस डॉट बुक URL, राइट, जो हमने अभी ऊपर बुक URL बनाया वो इसको हम रिटर्न करा लेंगे, ये हमारा URL दे देगा, यहाँ पर हम सेमीकोलन दे देंगे। तो एक तरीके से हमारा ये सर्विस बन गया। ये सर्विस क्या करेगा कि बुक URL में हमारे API का URL ले लेगा और उसको ऑब्जेबल में पास कर देता है, और URL को क्या करेगा कि इसको पूरे गेट मेथड के बुक के थ्रू रिटर्न कर देगा, राइट। अब हमें क्या, पहली दूसरी बात क्या आती है दोस्त कि दोस्तों हमने यहाँ पर बुक बनाया तो बुक का एक टाइप बना लेते हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या करना, यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पे एरर टाइप कर रहा है कि क्योंकि इसका टाइप बना नहीं है, कैन नॉट फाइंड नेम बुक बता रहा है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर एक टाइप बना लेते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक डॉट टी एस, राइट, इंटर मारेंगे, हमारा ये बुक बन जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरफेस बुक, और इसमें हम क्या करेंगे, बना लेंगे ID ले लिया हमने, जो जो हमने वहाँ पास किया था, जिस तरह का डेटा है हमारा उस तरह का बना लेंगे हम यहाँ पर, नंबर 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 सेमी कॉलन, फिर हमने नेम लिया था उसमें, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम तो स्ट्रिंग आता है। उसके बाद हमने इसने कैटेगरी लिया था, कैटेगरी, और यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दोस्तों ये मैं जो कहाँ से लिया था, मैं जो बता रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम टेस्ट डेटा बनाए थे, आप यहाँ पर देख लीजिए, ID, नेम और कैटेगरी लिया था हमने, राइट। आप इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि कोई नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। इसको हमने सेव किया, ये हमारा बन गया आप टाइप। अब हमारे इसमें जाएंगे तो इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर हमें उसको इम्पोर्ट करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर इश्यू आ रहा है क्योंकि बोल रहा है कैन नॉट फाइंड, तो हम आप इसको इम्पोर्ट कर लेंगे बुक को, इम्पोर्ट
यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे बुक को और फ्रॉम स्लैश डॉट करके लेते हैं, एक फोल्डर अंदर है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे बुक। राइट, ये हो गया हमारा, अब एरर चला गया। आप देख सकते हैं इसको हमने सेव किया, मींस कि हमारा एक सर्विस, पहले हमने क्या किया कि एक वेब एपीआई बनाया, मींस कि हमने डेटा क्रिएट किया, उसके उस यूआरएल को हमने एक सर्विस के अंदर यूज किया। राइट, अब जब भी दोस्तों हम सर्विस बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट काम होता है कि उसको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में हमें इम्पोर्ट करना होता है और डिक्लेयर करना होता है। राइट, तो इसको हम चलेंगे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में और यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इम्पोर्ट करते जाएंगे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट हम पर सबसे पहले तो इस सर्विस को इम्पोर्ट कर लेते हैं जो हमारा बुक सर्विस है। पहले क्या करते हैं कि फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम बुक सर्विस, तो उसके बाद यहाँ पर बुक सर्विस अपने आप आ जाएगा, बुक सर्विस आ गया। उसके बाद क्या दो करते हैं दोस्तों कि एपीआई को भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर वेब एपीआई और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इसमें इन मेमोरी वेब एपीआई इन इसमें दिख नहीं रहा है, इन मेमोरी आईपी मॉड्यूल इसको हम ले लेंगे। राइट, एपीआई मॉड्यूल हो गया। उसके बाद दोस्तों हम टेस्ट डेटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी हम बनाते हैं दोस्तों कंपोनेंट या सर्विस सबको ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट टेस्ट डेटा को हम कर लेते हैं फ्रॉम डॉट टेस्ट डेटा सेमी कॉलन और इसमें हम क्या कर लेंगे टेस्ट डेटा को हम रख लेंगे। राइट, ये हुआ हमारा जैसे इंपोर्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक और हमें इंपोर्ट करना होगा किसको, कि एचटीटीपी क्लाइंट को हमने यूज किया है तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को। यहाँ पर हम रखेंगे फ्रॉम एट द रेट एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एचटीटीपी। राइट, और इसमें हम एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को हम कर लेंगे एचटीटीपी की ये क्लाइंट मॉड्यूल। राइट, अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि डिक्लेयर कर लिया हमने तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट के अंदर जाएंगे कॉमा, इसमें हमने लिखेंगे एचटीटीपी क्लाइंट, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल कॉमा, फिर हम इन मेमोरी को भी कर लेंगे इन मेमोरी वेब एपीआई मॉड्यूल डॉट फॉर रूट कर लेते हैं, फॉर रूट होगा। और इसमें पास कर देंगे टेस्ट डेटा को। राइट, ये तरीका होता है दोस्तों हमें एपीआई को यूज करने का। और हमने सर्विस बनाया है तो सर्विस को हम प्रोवाइडर्स के अंदर डालते हैं, यहाँ पर हम सर्विस को रख लेंगे, बुक सर्विस को हम यहाँ पर रख लेंगे। राइट, ये हुआ हमारा दोस्तों कि प्रोवाइडर्स के अंदर भी हमने बुक सर्विस रख लिया। अब अगला हमारा वर्क होता है दोस्तों ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल पर चलते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल पर आए हम। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हम किस पे क्या काम कर रहे हैं। सब 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 अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। राइट, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे हम अपने बुक का, सॉफ्ट बुक कर देते हैं, इसमें हमने बुक क्या कर लेते हैं कि बुक टाइप का बना लेते हैं जो हमने अभी टाइप बनाया था,
इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि उस बुक सर्विस को यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट, एक वेरिएबल बना लेते हैं बुक सर्विस, बुक सर्विस, और इसमें हम बुक सर्विस को कर लेते हैं जिसको यूज करना है, बुक सर्विस हमने जो बना रखा है बुक सर्विस, राइट। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसके जैसे ही कंस्ट्रक्टर अपने आप लोड होता है, जैसे लोड होगा अपनी सर्विस को कॉल कर लेगा। उसके बाद दोस्तों एक हम फंक्शन बनाते हैं गेट सॉफ्ट बुक्स, राइट। इसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन बनाए, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें दिस डॉट, यहाँ पर हम सब्सक्राइब यूज करेंगे दोस्तों, जो हमें रिस्पॉन्स आएगा ऑब्जरेबल से उसको यूज करने के लिए, राइट। यहाँ पर दिस डॉट बुक सर्विस जो हमने बनाया अभी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर बुक सर्विस डॉट गेट बुक फ्रॉम स्टोर, राइट, जो हमने अभी बनाया था, और इस फंक्शन में हम डॉट सब्सक्राइब कर देंगे, राइट। देखिए यहाँ पर आ गया सब्सक्राइब। उस सब्सक्राइब करने का तरीका यह होता है कि उसके मेथड के अंदर हम पास कर देंगे बुक्स, और ये सब्सक्राइब करने का कीवर्ड होता है दिस डॉट सॉफ्ट बुक जो हमने अभी ऊपर वेरिएबल लिया, राइट, इक्वल टू बुक्स। इसके बाद हम कॉल दे दिए, राइट, और इस मेथड को दोस्तों हम ऑन इनिट पर कॉल कर लेंगे, राइट। एक ऑन इनिट बनाते हैं, ng ऑन इनिट, राइट, इस पर हम इसको, इस मेथड को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, दिस डॉट डॉट गेट सॉफ्ट बुक्स, राइट, इसको हमने कॉल कर लिया। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया दोस्तों, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा बुक का टाइप यहाँ पे आ रहा है, कैन नॉट फाइंड, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा बुक को, इंपोर्ट, यहाँ पर हम बुक को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम बुक, इसको चला जाएगा। ये हो गया दोस्तों, इसको हम सेव करें तो उसके बाद हमारा काम बच जाता है थोड़ा सा HTML पर, जहां पर इसको हमें शो करना है। तो ये सारी चीजें तो हम हटा देते हैं यहाँ से, इसे कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम UL ले लेते हैं, इसके अंदर LI के अंदर हम सब बाइंड करके दिखा देते हैं डेटा, LI के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ng4 ले लेते हैं, ng4 इक्वल टू लेट लेट BK ऑफ, ये वेरिएबल हमने बनाया गेट, यहाँ पर सॉफ्ट बुक है ना, सॉफ्ट बुक्स जो हमारा, जो हमने बनाया था अभी, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, अब बाइंड कर देंगे आईडी में, क्या करेंगे हम आईडी में हम बाइंड कर देंगे बीके डॉट इंटरपोलेशन, यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीके डॉट आईडी कॉमा नेम में हम बाइंड कर देंगे इंटरपोलेशन के अंदर, अंदर ही हमारा होगा इंटरपोलेशन के अंदर बीके डॉट नेम कॉमा, फिर हमने कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया, फिर इंटरपोलेशन हमने यूज किया बी के डॉट कैटेगरी, राइट। ये हमारा हो गया, अब यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा, इसको भी हमने सेव किया। तो दोस्तों हमने क्या क्या स्टेप यूज किया, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर
या इससे पहले मैं आपको इसको रन करा कर दिखाता हूँ कि रन करने के बाद क्या दिखता है डेटा। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, एनजी सर्व करेंगे यहाँ पर और इंटर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद इसको सर्व करेगा। इट्स कंपाइल बट ये एरर दे रहा है दोस्तों, क्योंकि क्या बोल रहा है, कॉमा होगा एप डॉट मोडुलो टेस्ट फाइल, इस पर राइट क्लिक करके हम जा सकते हैं कंट्रोल के साथ। यस, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा रखा है जबकि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम सेव करेंगे और रन हो गया। अभी हमने देखा एक शायद यहाँ पर इश्यू है, यहाँ पर एनजी फॉर्म में दोस्तों हमेशा एफ जो होगा कैपिटल होगा। अब इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे, दिया है इसको हम यहाँ से डी लिखेंगे, राइट सेव करेंगे और ब्राउजर में जाएंगे। हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कि डेटा आ चुका है, मींस कि हमारा डेटा रन हो चुका है। ठीक है, मींस कि हमने क्या किया, वेब एपीआई से हमने सर्विस बनाया, सर्विस वेब एपीआई को हमने यूज किया, URL को उसको हमने अपने डेटा को शो कराया, राइट। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद डेटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आया। फिर भी मैंने एक स्टेप आपको बताया कि किस किस स्टेप से क्या करेंगे, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गेट मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है। हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में इन मेमोरी वेब एपीआई बनाकर भी देखा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें अगले वीडियो में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम ये देखेंगे कि पोस्ट मेथड कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।